ये तो बड़ी खबर है दोस्तों, ईरान ने इसराइल पर दागे 180 मिसाइलें, आगे क्या हुआ चलिए पता करते हैं। कल शाम को ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर जवाबी हमलों की लहर दौड़ गई। इजरायली सेना ने फुर्ती दिखाई, कई मिसाइलों को रोक लिया, मगर फिर भी इस हमले से लोग बम शेल्टरों की तरफ भागे। इजरायल में तुरंत किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी को मलबे से जान गंवानी पड़ी, बड़ी दुख की बात है। ये हमला इजरायल द्वारा हाल ही में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को मार गिराने के जवाब में हुआ है। ये इस चल रहे संघर्ष में ईरान की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसके जवाब में इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना हवाई हमला तेज कर दिया है और दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरानी हमले की निंदा की और इजरायल के लिए अपने अटूट समर्थन की बात दोहराई, यहां तक कि मिसाइल डिफेंस में भी मदद कर रहा है। इस हालात पर नजर रखिए क्योंकि ये लगातार बदल रहा है, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।